वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झूठे केसों की कि आखिर कोई व्यक्ति किसी पर झूठा केस क्यों करता है, इसके पीछे उसकी क्या मंशा होती है और वो क्यों किसी को बेवजह परेशान करता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर झूठा केस करता है तो उसके पीछे वो क्या चाहता है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या कोई दहेज का केस चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं पहले एग्जांपल आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो एक तो व्यक्ति वो है जिसे हम वादी कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है, ठीक है, तो अपने हक को पाने के लिए वो केस लड़ता है। और दूसरा व्यक्ति वो है जो दूसरे की प्रॉपर्टी पे जिसने कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो वो उस पर दावा करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है ना, जैसे भी वो प्रूफ कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब अदालत में केस पहुँचता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचते हैं, जहाँ तक कि अगर उन्हें कोई कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी पड़ जाता है तो वो बहुत जल्दी घबराने लगते हैं कि पता नहीं हमारे बाप दादा कभी कोर्ट कचहरी नहीं चढ़े, अब हमें चढ़ना पड़ रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, वो ऐसा सोचते हैं। और ऐसे ही लोगों के ऊपर ज़्यादातर झूठे केस होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें कानून से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें कानून से दूर दूर बचना है, या फिर हमें पुलिस की एक्टिविटी से हमें बहुत दूर रहना है, इनसे हमें मतलब नहीं रखना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने ऊपर जो उनके ऊपर जो अत्याचार होते रहते हैं उनको वो सहते रहते हैं, कभी पुलिस की मदद नहीं लेंगे, कभी कोई केस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई केस कर दिया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसी बात का फायदा दूसरी पार्टी उठाती है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है ना, तो उस केस में अब वादी क्या करे, या तो वो मतलब कोर्ट में जाकर केस करें, ठीक है, तो अगर वो केस करेगा तो उसे केस लड़ना पड़ेगा जिसमें उसे अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर वो ये सोचता है कि नहीं मैं ऐसे ही सही हूँ, उसे कब्जा कर लिया तो करने दो, लेकिन छोटा मोटा मैटर होता है तो ईजिली वो छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई बड़ा मैटर है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी 2-4 बीघा है, 1-8 बीघा अगर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो वो उसे मजबूरन कोर्ट में जाके दावा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, अब वो मजबूरन जा रही है, समझ लीजिए कि जहाँ पर वो व्यक्ति मजबूरी में जा रहा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी कब्जा हुआ है, वो सोचता है कि चलो एक केस है, कोई दिक्कत नहीं है, एक केस तो हम देख लेंगे। अब क्या है, केस कर दिया उसने, अब वादी क्या करेगा, जो प्रतिवादी है अगर वो चालाक है, ठीक है, और वो चाहता है कि भाई इसको अब ये कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना चाहता है, ऐसे या फिर मुझे अपना सिक्का ऊंचा रखना है, तो वो क्या करेगा, एक केस उल्टा झूठा ठोक देगा। क्यों ठोक देगा, कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, फलाना है ढिकाना है, उल्टा सीधा केस आप पे ठोक दिया। अब क्या हो गया कि आप एक तो आप वादी हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पर प्रतिवादी जो है जिसने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है उसने झूठा केस आप पे एक और लगा दिया कि आपके साथ उसके साथ मारपीट हुई है, जब वो कहीं रास्ते से जा रहा था तो इन्होंने उसे घेर लिया। ऐसा कुछ भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि झूठे केस एक अदालत में कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर वो एक केस लड़ रहा था, अब उसके 2 केस हो गए, अब वो घबराने लगता है कि यार मैं तो काम धंधे से भी बैठ गया, क्योंकि अब वो एक बार सोचिए कि अगर हफ्ते में वो 2 बार तारीख करने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे काम कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आज व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है कि भाई क्या मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया, और पता लगा कि 2-4 महीने के बाद उसने फिर एक केस और ठोक दिया, ठीक है, जो प्रतिवादी है उसने, जो वादी है जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ उस पर उसने एक केस और ठोक दिया, अब उसके पास 3 केस हो गए, और ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप वो घबराने लगता है, भाई अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब कैसे इनसे छुटकारा पाऊँ, कोर्ट कचहरी के झंझटों से कैसे बचूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये है कि ऐसे मामले में वो अपने अधिकारों को अब ही सोचता है कि मुझे इससे कैसे बचना है, वो ये भूल जाता है कि भाई वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे मुझे कैसे पाना है, वो इस बात को भूल जाता है, बल्कि वो इस बात पे ज्यादा ध्यान देता है कि इन केसों के झंझटों से मैं कैसे बचूं। तो इसका इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि अब वो क्या करता है, उन केसों के तारीखों के झंझटों से बचने के लिए वो गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, ठीक है, इकट्ठा करने के बाद वो पंचायत जोड़वाता है भाई कि इन्होंने मेरे ऊपर ऐसे केस कर दिए हैं, ठीक है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मामले में क्या होता है, ऐसे मामले में अक्सर समझौते हो जाते हैं। समझौते का मतलब है कि ऐसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी 5 बीघा की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो समझौते की वजह समझौता में जो होता है वो होता है 50-50 जो भी है उसे 50-50 कर दो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, समझौता में जो क्या होते हैं, गली मोहल्ले के लोग फैसला कर देते हैं भाई आपका इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है तो ऐसा कर लीजिए कि आप इस प्रॉपर्टी को आधा आधा कर लीजिए और जो भी केस है वो वापस ले लीजिए, दूसरी पार्टी वापस ले लेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अब ये मान लीजिए एक तो उसकी उसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, ठीक है, और उसने आप पर झूठे केस लगाए, आपने आपका तो केस सही था कि आप अपने हक को पाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब उसके केसों की संख्या बढ़ गई, उसने केस आप पे ज्यादा कर दिए, तो आप परेशान होने लगे, आप कमाई धमाई भी करना भूल गए, आप सोचते हैं कि मैं कैसे कमाने जाऊं, ठीक है, क्या करूं, ठीक है, रोज रोज मुझे कचहरी आना पड़ता है, अदालतों में तारीख पे चक्कर लगाना पड़ता है, तारीख करनी पड़ती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप समझौता करेंगे, ठीक है, और समझौता में अगर आपकी 5 बीघा पे जमीन पे कब्जा हुआ है तो हो सकता है कि आधी बीघा 5 बीघा का प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है तो आधी जो प्रॉपर्टी है यानी 2.5 बीघा आप पे रहे और 2.5 बीघा उस व्यक्ति पे चली जाए जिसने उस पे कब्जा कर रखा है, तो ठीक है। इस तरह से वो भी अब अंदाजा लगा लीजिए कि उसका कुछ भी नहीं था, उसने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, ठीक है, लेकिन उसने एक केस करने से या 2-3 केस करने से उसने आपको इतना प्रेशराइज कर दिया कि आप समझौता करने के लिए मजबूर हो गए, ठीक है ना। और उसको क्या हुआ, उसके तो ज्यादा 50-60 हज़ार रुपए खर्चा हुआ होंगे, लेकिन उसे कितनी प्रॉपर्टी मिल गई, 2.5 बीघा जमीन उसे सिर्फ इसी तरह से मिल गई केस लड़ने से, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग होते हैं जो कोर्ट कचहरी से बचना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी से उनकी हालत खराब हो जाएगी या फिर उनकी इंसल्ट होगी, ठीक है, ऐसे अक्सर ऐसे लोगों के पे कार्रवाई होती है। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जो गांव के या जो घीसड़ लोग होते हैं, घीसड़ का मतलब है कि बिल्कुल निचले स्तर के लोग होते हैं, निचले स्तर का मतलब है कि जो एक्टिव होते हैं, भले ही उनकी औकात कुछ ना हो, मतलब कि वो अच्छा कमाते ना हो, ठीक है, लेकिन वो अच्छे अच्छे पहलवान जो होते हैं ना, उनकी भी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी इज्जत को डरते हैं, भाई पता नहीं हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, क्या कोर्ट कचहरी, और वो जानते भी नहीं। ऐसे लोग क्या होते हैं कि अब वो तो खुद तो कुछ करते नहीं, तो दूसरे की प्रॉपर्टी को पाने के लिए वो अक्सर ऐसे झूठे केस लगा देते हैं जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। जैसी बात है, अगर आप कोर्ट कचहरी के झंझट से बचना चाहेंगे तो समझौता करेंगे, और समझौता करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा। ऐसे ही मैं आपको, ये तो है प्रॉपर्टी का मैटर, प्रॉपर्टी के मैटर पे मतलब लोग क्यों झूठा केस करते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है वो आप समझ गए। मंशा ये होती है कि उस प्रॉपर्टी में या तो उसको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर उसमें अगर कोई समझौता होता है तो उसमें भी उनका ही फायदा है, क्योंकि उन्हें 50-60 हज़ार रुपये लगाने से ही बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा, उस प्रॉपर्टी का 50% या जो भी परसेंटेज बनता हो, जो गाँव के लोग समझौता करते हों उसमें जो भी उसका परसेंटेज बनता है, तो वो उसको एक तरह से प्रॉफिट के रूप में मिल रही है, क्योंकि जितना खर्चा वादी ने किया उतना ही खर्चा प्रतिवादी ने भी किया है। वो अपने हक को पाने के लिए उसने केस किया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो खर्चा तो उसका भी हो रहा है, और वो तो कब्जा करे हुए पहले से बैठा हुआ है, विवाद पहले से जगह है, तो वो उस पे केस कर रहा है, तो बराबर खर्चा हुआ, और खर्चा होने के बाद भी प्रॉपर्टी जो है बराबर बराबर बांट दी गई गांव की सहमति से, तो ये हो गया। उस बाद में क्या हुआ, उसने केस वापस ले लिए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जब किसी की बदनीयत होती है तब वो झूठे केस लगाता है, यानी कि वो आप पे प्रेशर बनाना चाहता है, ठीक है, ताकि आप कोर्ट कचहरी की झंझट से तंग आ जाएं, परेशान हो जाएं, और आप उससे समझौता कर लें या आप उसके चरणों में जाके गिड़गिड़ाने लगें, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, झूठे केस से आप किसी को प्रेशराइज करके अपने चरणों में ला सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर वो बात नहीं मान रहा है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप दबंगड़ हैं, आपने ये प्लान कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कितना भी केस हो जाए, लेकिन आप अपने हक को नहीं जाने देंगे, तो ऐसे मामले में क्या होता है, कि 1-2 साल केस चलते हैं, और जैसी बात है झूठे केस है तो वो उनका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर कोई भी केस हो जाता है तो वो लगभग 1-2 साल में रिदम पे आता है। रिदम का मतलब है कि रनिंग में आना शुरू होता है,
तो एक दो साल में तो सारा काम हो जाता है, इधर वो बंटवाएगा केस जो जो आपका जो कब्जा जो आपने कर रखा है या जो भी पार्टी ने कब्जा कर रखा है, तो वो केस भी रनिंग में आ जाता है। ठीक है, रनिंग में आने के बाद जो अगर उसके पास ऐसे सबूत हैं जिससे वो ये साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी उसकी है तो ठीक है, अगर नहीं साबित कर सकता है तो भाई जो प्रॉपर्टी का जो मालिक है, जो वास्तविक मालिक है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है। अगर वो ऐसे सबूत पेश कर देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसका मैं मालिक हूँ, ठीक है, तो उसकी वो प्रॉपर्टी होती है, तो उस केस में उसे कुछ नहीं मिलता है। और जहाँ अगर पार्टी दबंगड़ है, जैसे कि अगर केस को लड़ती रहती है, तो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पे फिर कोई केस भी नहीं करेगा, आप दूसरों पे केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हैं भाई ये केस से बंदा, ये जो है वो केस से नहीं डरता है, ठीक है। अगर उसने सोच लिया उसका हक है तो वो उसे पाके ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसे किसी भी तरह से दो चार केस करके आप उसको प्रेशर में ले आए, क्योंकि अक्सर लोग, मैंने ऐसा देखा है और शायद बहुत से लोग, आप भी ऐसे लोग होंगे जो कोर्ट कचहरी के झंझटों से बचना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि भाई हमें कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंसना है। ऐसे लोगों को ही मुर्गा बनाया जाता है, ठीक है ना, कचहरी में वो जो प्रतिवादी जो होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को अक्सर अपने प्रेशर में ले लेते हैं, इतने पर मजबूर कर देते हैं वो झूठे केस लगा करके, ताकि वो कोर्ट अपने जो कोर्ट कचहरी है उसके झंझटों में वो ऐसे फंस जाता है कि अपने काम को, अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं देख पाता, ठीक है ना, और कोर्ट कचहरी के लिए सीमित हो जाता है। वो सोचता है कि भाई जमीन जो भी जानी है जाए, अब वो समझौता कर लेता है, खुद माफी हाथ जोड़ के उसके पास पहुंच जाता है कि भाई जो भी है समझौता कर लो, ठीक है। तो इस तरह से उसे बेवजह की प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो यहाँ पर बदनीयत वाली बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, तो उस केस में अगर आपके कोई झूठे केस करता है, तो साफ साफ सी बात है वो मैटर से नहीं कर रहा है, जबकि कोई फाइट होने के चांस नहीं थे, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी उसने ऐसा केस कर दिया, उसका मतलब साफ है कि वो आप पे प्रेशर बना रहा है, और प्रेशर बनाने से आपको मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि आप कि ताकि आप केस को वापस ले लें, या फिर आप उससे समझौता कर लें, ठीक है ना। समझौता करने में भी उसका ही फायदा है, आपका आपका तो नुकसान है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, अगर 50% भी प्रॉपर्टी जाती है तब भी आपका नुकसान है। तो यहाँ पे ये बात साफ साफ है कि अगर कोई व्यक्ति आप पे झूठे केस करता है, तो उसके पीछे क्या मंशा है, उसकी बदनीयत है, ठीक है ना, वो आप पे प्रेशर बना रहा है ताकि आपकी प्रॉपर्टी को पा सके, ठीक है। आप समझौता करेंगे, अगर आप समझौता नहीं करना चाहते हैं, आप केस लड़ते रहते हैं, तो आपका हक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समय से पहले थक जाते हैं, हार जाते हैं और डर जाते हैं कोर्ट के जरिए झंझटों से, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप समझौता करेंगे या फिर उससे माफी मांग लेंगे, तो वो कहेगा भाई मैं या मुझे माफ कर दो भैया, झूठे केस जो अपने वापस ले लो, या तुम उससे ऐसी बात कोई कहते भी हो कि भाई तुम अपने झूठे केस वापस ले लो, तो वो कहेगा भाई मैं क्यों झूठे केस मैं क्यों वापस ले लूँ, ठीक है, मेरा आप समझौता कर लो या प्रॉपर्टी छोड़ दो तो ठीक है मैं वापस ले लूँगा। तो उस केस में क्या है, आप लोगों को इकट्ठा करोगे और जो भी है समझौता करोगे, समझौता में जो गांव के लोग हैं, पंचायत जो जुड़ेगी, वो आधी आधी जमीन कर देगी, तो इस तरह से आप समझौता कर सकते हैं, ठीक है। और यही होता है अक्सर, मैंने देखा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और दूसरा आकर के दबंगड़ उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, तो उस केस में आप केस करते हैं, ठीक है, और जो जो केस करने की जो भावना आती है ना लोगों के अंदर, अगर आपकी प्रॉपर्टी कब्जा हो गया, वो दो चार महीने के लिए आती है कि आप तो पता नहीं क्या कर देंगे दो चार महीने में, लेकिन दो चार महीने जैसे जैसे केस चलेगा, सो वो थकने लगते हैं और सोचते हैं आप जल्दी से इस केस को कैसे भी निपटारा हो, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन इस केस का निपटारा हो जाए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ घरेलू मैटरों की, कि घरेलू मैटरों में झूठे केस कब होते हैं और उनके पीछे क्या मंशा होती है। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई पति या फिर पत्नी अगर वो अपने पार्टनर से खुश नहीं है, या फिर उसने ये सोच लिया है कि मुझे दूसरी शादी करनी है, या फिर वो किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर को छोड़ना चाहता है, ठीक है ना, तो उस केस में मैं आपको झूठे केस की बात कर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सच केस की बात बता रहा हूँ। जो सच केस हैं वो तो लड़े जा रहे हैं, उन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उन केसों की बात कर रहा हूँ जो वास्तविक में झूठे हैं, जिसमें उनका इंटेंशन कुछ और होता है, वास्तविकता नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हस्बैंड क्रूर भी नहीं है, ठीक है ना, और सब कुछ ठीक है, लेकिन पत्नी को वो पसंद नहीं है, अपना हस्बैंड अगर पसंद नहीं है, या फिर वो उसे छोड़ना चाहती है, या फिर उसका वो प्लान पहले से कर चुकी है कि मुझे अपने पति को छोड़ना है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या है कि वो अपने पति पर झूठा आरोप लगाती है दहेज का, ठीक है। तो अब अदालत में दहेज का केस चलता है, अगर पत्नी डायरेक्ट छोड़ना चाहती है तो आप कहेंगे कि तलाक का केस डाल दे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि अगर पत्नी पति को छोड़ना चाहती है तो वो तलाक का केस डाल दे सेक्शन 9 के तहत, सेक्शन 13 के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक का केस डाल दे।
तो तलाक का केस डालने के लिए पति की परमिशन होना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि बिना पति की परमिशन के वो तलाक ले सकती है, मतलब तलाक तो ले सकती है लेकिन उसे ये साबित तो करना पड़ेगा कि वो किस आधार पे तलाक ले रही है, ठीक है ना। तो अगर आधार मौजूद नहीं होता है, जो उसने आधार दिया है अगर वो अदालत में साबित नहीं कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि तलाक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पत्नी क्या करती है कि अपने पति पर तलाक पाने के लिए, समझ में आ रहा है, अब देखो तलाक पाने के लिए वो डायरेक्ट तलाक के लिए दावा ना करती है, पहले वो दहेज उत्पीड़न का केस करती है कि मेरा पति मुझे मुझे दहेज उत्पीड़न के लिए प्रताड़ित करता है, डिमांड करता है, मांगता है, मेरे ससुराल वालों, मेरे मायके वालों को परेशान करता है, मुझे मारता पीटता है, इस तरह का वो दहेज उत्पीड़न का केस लगाती है। उस केस में क्या है, अब पति अदालतों के चक्कर में पड़ जाता है जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब उसके बाद उस सेक्शन सॉरी सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस का भी केस डाल देती है पत्नी, ठीक है। अब क्या है, एक तो वो पति दहेज उत्पीड़न का केस लड़ रहा है, अदर एक मेंटेनेंस का केस लड़ रहा है। तो इसमें क्या, मेंटेनेंस में तो फिक्स होता है कि भाई 4,000-5,000 जो भी हस्बैंड की जो औकात है उसके हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाता है। और उसमें ये जो केस चल रहा है, अब पति क्या करता है झंझटों से बचने के लिए, ठीक है, वो सेक्शन 9 का केस डाल देता है, जो कि अक्सर वकील ऐसा भी बताते हैं कि भाई अब सेक्शन 9 का केस डाल दो, बहुत से लोग डाल देते हैं सेक्शन 9 का केस। अब क्या है, लेकिन अब यहाँ पर जो केस जो पड़ गए हैं इसमें जो कि वो सही सलामत था, अपने घर पे सुकून से था, लेकिन अब वो कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंस जाता है, ठीक है ना। लेडीज अपने पति से छुटकारा पाने के लिए वो इस तरह का जाल बुनती है जिससे कि पति मजबूर हो जाए उस जो वो करना चाहती है उसको करने के लिए बिना क्वेश्चन किए वो तलाक दे दे। अब क्या होता है कि अब जब केस चलने लगता है तो पति हर चौथे पांचवें दिन तारीख पे आता है जिससे कि वो और कामों की तरफ अपने परिवार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता। तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आपसी में समझा लो, बुझा लो और मामले को यहीं निपटा लो, अदालत जाने की क्या जरूरत है, ऐसा लोग कहते हैं जैसे कि आप लोग भी जानते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि फिर लोगों को जुटाते हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं कि भाई आप केस ऐसे ही खत्म कर लो, बाहरी कोर्ट के बाहर ही खत्म कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि लड़की अपनी शर्त रखती है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है, इतना पैसा चाहिए और तो फिर मैं अपना केस वापस ले लूंगी और मैं आपसे तलाक ले लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो तलाक भी ले रही है साथ में, ठीक है, तलाक ले रही है और प्लस पैसे भी आपसे ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो इंटेंशन है वो किस चीज का है, आपको प्रेशर में लेकर के आपको आपसे तलाक लेना, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे आप देंगे नहीं, ठीक है ना, राजीवाजी से आप देंगे नहीं, तो यहाँ पर अब वो आपको प्रेशर में लेगी और फिर तलाक लेगी और वो आपसे पैसे भी ले लेगी, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं इसको वो आपसे भुनाती है, मतलब कि अपना काम निकालने के लिए, उसका काम था कि आपको छोड़ना है हर हालत में, तो वो आपसे डायरेक्ट तलाक के लिए, अगर आप डायरेक्ट तलाक के लिए वो आप पे केस करती तो शायद आप नहीं देते और हो सकता है कि आप उसके खिलाफ भी कोई केस कर देते। तो इससे बचने के लिए वो सीधा दहेज उत्पीड़न का केस करती है, ठीक है, दहेज उत्पीड़न का केस होता है, फिर मेंटेनेंस का भी केस डाल देती है, ठीक है। उसमें आप डबल, एक तो इधर ये है कि आप मेंटेनेंस उसे देंगे अगर मेंटेनेंस का केस साबित हो गया, अगर जो दहेज उत्पीड़न का केस साबित हुआ है, किसी भी तरह से केस चलता है 4-5 साल चलता है, तो इसमें क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो एक लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि व्यक्ति अपने घर परिवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। तो उस केस में वो समझौता होता है, ठीक है, आपस में लोग बोलते हैं भाई समझौता कर लो, जो मेहमान होते हैं वो कहते हैं, तो दोनों तरफ के लोग मेहमान जुड़ते हैं या फिर वो किसी भी तरह से गाँव मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के आपस में कोर्ट से बाहर समझौता करते हैं। तो समझौता में पत्नी अपनी डिमांड रख देती है कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे इतना पैसा चाहिए और ये और मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो ठीक है, तो वो तलाक के लिए दावा हो जाता है और वहाँ पे उनका तलाक भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि उसने तलाक पाने के लिए, ठीक है, झूठा एक तो आरोप लगाया, यानी कि अगर पति उसमें फंस जाता तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती थी। तो पति ने सजा से बचने के लिए, ठीक, सजा से बचने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचने के लिए और अपनी बदनामी को बचाने के लिए, जो उसकी बदनामी हो रही है, ठीक है, उससे बचने के लिए वो क्या करता है कि भाई समझौता कर लेता है कि भाई राजीवाजी से हो जाओ, कोर्ट कचहरी के एजेंट से बचो, ठीक है। तो उसमें वो तलाक के लिए तलाक भी ले लेती है और पैसे भी ले लेती है, ठीक है, उसका डबल फायदा हो गया, अब वो छूट हो गया, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर पति अगर वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है तो वो क्या करता है, जाहिर सी बात है कि वो पहले तो पत्नी को मायके छोड़ाएगा, ठीक है, मायके छोड़ाने के बाद वो डाउरी वायलेंस नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत केस डाल देगा कि मेरी पत्नी क्रूर है, ठीक है। और ये केस डालने के बाद
क्योंकि उसे छोड़ना है, जबकि ऐसा कुछ भी ना हो कि भाई पत्नी बिल्कुल करेक्ट हो, सही हो, लेकिन उसे छोड़ना, उसने ये प्लान कर लिया है कि मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि वो ये दिखाएगा कि भाई मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूर है, ठीक है, और वो अपने मायके में रह रही है, या फिर मैं मायके छोड़ आया हूँ किसी भी रीज़न से, कि वो लड़ती झगड़ती है घर परिवार वालों से, क्योंकि उसने पहले से प्लान कर लिया है कि मुझे अपनी पत्नी को छोड़ना है। तो उस केस में वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देता है पति कोर्ट में, ठीक है। और अब डालने के बाद उसके 2-4 महीने के बाद जब पत्नी कोर्ट में आ जाती है, तो हो सकता है कि वो दहेज का केस करे, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी करती है दहेज का केस या फिर नहीं करती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर नहीं करती है तो वो जो है तलाक के लिए भी, तलाक के लिए भी 5-6 महीने के बाद तलाक के लिए भी केस डाल देता है। डाउरी वॉलेंस में क्या है, वो ये दिखाता है कि भाई जो पत्नी है वो घर घर के लोगों को परेशान करती है, मेरे माता पिता को परेशान करती है, शारीरिक मानसिक शोषण करती है, ठीक है ना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। तो इस तरह से इस आधार को वो कोर्ट में देता है, उसी आधार पे जो केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसी के आधार पे वो तलाक के लिए केस डाल देता है। तो इस तरह से वो पत्नी को एक तरह से उसको प्रेशर में लेता है कि पहले से उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया, घरेलू हिंसा का केस कर दिया, और फिर उसी को आधार बना करके उसने तलाक के लिए केस कर दिया। तो ये एक तरीका है मतलब झूठे केस करने का। इसने यहाँ पे दोनों ही केस झूठे थे, पहले तो उसने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला था वो भी झूठा था, ठीक है, और उसी को आधार बना करके उसने तलाक के लिए केस डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है कि जो वो चाहता है वो करने के लिए, लेकिन अगर दूसरा पक्ष मजबूत है, ठीक है, अगर वो लड़ने के लिए एक्टिव रहता है, खड़ा रहता है, ठीक है, तो उस केस में वही होता है। अगर झूठा केस है तो वो झूठा साबित होगा, अगर सही केस है तो वो सही साबित होगा। लेकिन लोगों की भड़बड़ उन्हें घेरे में ले जाती है, मतलब ये है कि जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना कि भाई इससे हमें छुटकारा दिलाओ, उस कैसे कोर्ट कचहरी के मैटर से हमें बचाओ, ठीक है। तो ऐसे मामले में जो लोग समय से पहले या फिर जजमेंट का वेट न करते हुए पहले से ही खुद ही समझौता कर लेते हैं, तो वो लोग घाटे में जाते हैं। और ऐसा ही दूसरी पार्टी का ऐसा वो चाहती है कि ताकि पार्टी को डिप्रेशन में ला के या दबाव में ला करके अपना काम निकाला जाए। झूठे केस का जो मकसद होता है वो अपना काम निकालना होता है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी पे झूठा केस करता है तो उसका उसमें जरूर कोई स्वार्थ है। मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है ना, तो उसमें अगर कोई वादी या प्रतिवादी झूठे केस लगातार डाले जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपना प्रेशर बना करके, ठीक है ना, उस पर प्रेशर बनाना चाहता है ताकि वो कोर्ट कचहरी के झंझट से परेशान होकर के वो समझौता कर ले, ठीक है। या फिर अगर कोई घरेलू मैटर है तो उस केस में झूठे केस इसलिए डाले जाते हैं ताकि पार्टी मजबूर हो जाए, कोर्ट कचहरियों से बचने के लिए तंग आ जाती है कोर्ट कचहरियों के केस से मैटर से, तो क्या होता है कि वो पार्टी मजबूर हो जाती है, भाई अपने केस वापस ले लो, जो भी है अपना बाहर समझौता कर लो। तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बाहर ही फिर समझौता कर लेते हैं और बाद में वही काम होता है जो वो चाहती है, ठीक है ना। तो समझौता करने से भी जो जिसने झूठे केस किए हैं उसका फायदा है, ठीक है। और झूठे केस का जो असल मकसद होता है पार्टी पे प्रेशर बनाना। झूठे केस का जो असल मकसद होता है पार्टी पे प्रेशर बनाना, कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो झूठे केस करता है तो इसका मकसद ये है कि उस व्यक्ति का ये मकसद है कि वो पार्टी पे प्रेशर बना रहा है ताकि पार्टी कोर्ट कचहरी के चक्करों में उससे परेशान होकर के तंग आ करके या तो वो बैठ जाए खुद घर पे, ठीक है, या फिर उससे वो समझौता कर ले किसी प्रकार का, ठीक है। समझौता करने से क्या होता है कि उसमें उसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो झूठे केस ही इसी वजह से डाल रहा है ताकि पार्टी मजबूर हो जाए, तंग आ जाए, परेशान हो जाए, वो अपने काम धंधे को छोड़ बैठे और उसकी बातों को मान ले या फिर वो समझौता कर ले, ठीक है। अब अक्सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोग
जो है कानून से बचना बचना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आप देखिए किसी को भी कोई भी, मैंने जब भी मैं कचहरी पर होता हूँ, कोर्ट में होता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि लोग कोर्ट कचहरी के मैटर से ऐसे ऐसे डरते हैं जैसे कि वो सांप हो, ठीक है, और इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमें किसी भी चीज़ से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हम भारतीय हैं और भारत में कानून का किस तरह का राज है वो हम सब जानते हैं। यहाँ पर सच कितना है और झूठ कितना है, मतलब ये है कि हर कानून में एक लचीलापन है। कानून में देखिए, हम लोग कानून के शाये में जीते हैं और हम लोगों को कानून से बचना नहीं चाहिए बल्कि उसको जानना चाहिए। कुछ लोग तो इस वजह से हम लोग देखिए हम लोग कानून के साए में जीते हैं और इसलिए हमें कानून से बचना, देखिए असल बात ये है कि हम लोग कानून के साए में जीते हैं और इसलिए हमें कानून से बचना नहीं चाहिए बल्कि उसे जानना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर उस व्यक्ति पर आती है या फिर ऐसा कोई केस उस व्यक्ति पर पड़ जाता है तो क्या होता है कि अगर उसे नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है जिससे कि उसके समय की बर्बादी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक तरह से अपनी पॉकेट जो पॉकेट अक्सर हमने लोगों को देखा है कि वो कोर्ट कचहरी के केसों से बचना चाहते हैं और इसी बात का फायदा जो दूसरी पार्टियां होती हैं वो उठाती हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई हमें कोर्ट कचहरी से कोई संबंध नहीं है। देखिए आप कितना भी बचने की कोशिश करें, ठीक है, अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो आपसे कोई फायदा उठा सकती है तो वो आपको झूठा कोर्ट में घसीट सकती है, भले ही वो आपने जुर्म किया हो या ना किया हो या आप उसमें बिल्कुल भी आप शामिल ना हो, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी चाहे तो आपको कोर्ट में घसीट सकती है। अगर आप कितना भी बचें, फिर अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो आप गिरफ्तार होंगे, वारंट होंगे, आपको अदालत जाना ही पड़ेगा। तो जब हम इस तरह का हम इस तरह के कानून में हैं या इस तरह के कानून में हम जी रहे हैं, हमें कानून को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हम ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाएं तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी राय आपको यही है कि आपको कानून को जानना चाहिए कोर्ट कचहरी के बारे में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परेशान होंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जिस चीज़ में 2400 घंटे जिसके आप साए में रहते हैं उस चीज़ को उसी चीज़ से आप बचना चाहते हैं तो आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी बचेंगे तो आप बहुत बुरे फंसेंगे, ये समझ लीजिए। आपको कानून के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं यार यार प्रॉपर्टी का मैटर है, हमारा तो घरेलू हिंसा का मैटर चल रहा है, ठीक है, कि भाई हमें तो घरेलू का घरेलू से संबंधित वीडियो आएंगी तभी हम देखेंगे, हमारा कोई प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसी वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन कब क्या होता है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन पड़ जाती है तो वो गलत कदम उठा बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। ऐसा अगर मैटर बनता है कि किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें तत्काल उन्हें क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि वो कानून से बचना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो थाने जाते हैं पुलिस को बुलाने के लिए, फिर 100 नंबर को फोन लगाते हैं। उससे क्या होता है, पुलिस आती है, वो चालाना कर देती है, फिर क्या मन में अगर लड़ाई की आशंका देखेगी कि 716 में कार्रवाई कर देगी। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी किसी के खेत की मैट काटती है, ठीक है ना, मैट जो होती है उसका रास्ता जो होता है उसे काट के अपने खेत में मिलाती है, तो पार्टी दूसरी पार्टी क्या होती है, वो फोन कर देती है कि भैया देखो ये यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ये मेरे खेत की मैट काट रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर वो क्या करते हैं, 100 नंबर पर फोन कर दिया और 100 नंबर वाले आते हैं, वो दोनों को ही दोनों पार्टियों के चालान कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर हमें कानून की सही नॉलेज होगी कि हमें किस सिचुएशन में कौन सा कदम उठाना है, अगर ऐसा हमें पता होगा तो हम बेवजह की कार्रवाई से बचेंगे, बेवजह की जो फिजूल खर्ची होती है उससे हम बचेंगे और हम सही कार्रवाई करेंगे, सही टाइम पे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा। देखिए ये वीडियो जो मैंने बनाया था वो आप ही के लोगों की कुछ क्वेश्चंस के पे आधारित ये वीडियो था, जिसमें मैंने बहुत सारी बातों को इसमें इन्वॉल्व किया है ताकि आपके सवालों को आपको जवाब भी मिल पाएँ और आप समझ पाएँ कि क्या करना सही रहता है। कोई केस झूठे केस करता है तो उसके पीछे उसका असल मकसद क्या होता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए कि उससे लड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर हम उसमें बचेंगे तो हमें समझौता करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अगर हम लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो हमें इसमें हम सबको क्या करना है ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।